मैडम किसा किसा नहीं, ये शायद 8 लेके आया हूँ और ये अपना पड़ा है पूरा 12,000 रुपये का। तो अपना पता है कि अभी तो हम राम राम जी, क्या हाल आप सबका, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो स्वागत करते हैं आज फिर आपका एक नया ब्लॉग में। तो गाइज आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ मतलब कि मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं, तो वहीं पर मिलते हैं 2-4 मिनट में। तो कल मैंने आपको एक मेरे मतलब कि जीवन से रिलेटिव वीडियो भेजी थी, लेकिन आप लोगों के जो कमेंट नहीं आए उस पर, तो गाइज मैं आपसे आशा करता हूँ मतलब आप ना एक कमेंट जरूर किया करो और मुझे ना मतलब बताते रहे करो मतलब मैं वीडियो कैसी बनाता हूँ कैसी नहीं। देखो आप लोगों से ही मेरी उम्मीद है, अगर आप लोग मुझे हौसला दोगे तभी मुझे आगे जाके हौसला मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाऊँगा जिसको आपको देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा और मुझे भी। तो चलो चलते हैं गाइज वहाँ पर। बाय बाय गाइज, सी यू, टाटा, राम राम। तो गाइज आपको एक बात बतानी थी, मैं ना मतलब कि एप्पल का फ़ोन लेके आया हूँ आज एक, तो आप बताइए कमेंट में किसा किसा नहीं, ये शायद 8 लेके आया हूँ और ये अपना पड़ा है पूरा 12,000 रुपये का। तो अपना पता है कि अभी तो हमारी मतलब कि इनकम आनी है जो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन हमने मतलब कि पैसे जोड़ कर एक एप्पल का जो छोटा फ़ोन लेके आए हैं, अब इसमें मतलब कि वीडियो बनाया करेंगे। तो सारे भाई कमेंट बताइए किसा फ़ोन है किसा नहीं। आपको दिख रही वो है बाबा गिब्बी साहब मंदिर, और यहाँ से हम जाते हैं और ये आ गया महसों का स्थान जहाँ पर महस मतलब की रहती हैं, और वो है बजरंगबली मंदिर जिसको लोग सुबह सुबह पूजने के लिए आते हैं। तो ये गली जाती है जितू निर्वाणा है, और जो वो दिख रही है आपको बालाजी की मूर्ति है जो गिब्बी साहब मंदिर में है, और यहाँ से हम जाएँगे अब जितू निर्वाणा और कगर, और यहाँ पर बनती है महस वगैरह। तो आप देख सकते हो इस साइड भी घर वगैरह हैं, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई जी ये है गिब्बी साहब मंदिर, और ये उसकी मतलब बजरंग बली की मूर्ति। काफ़ी कूड़ा कीड़ंगा बहुत ज़्यादा है, तो देख सकते हो आप कैसे लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, बहुत ऊंचे ऊंचे मतलब कि बटोड़े हैं। देख लो भाई कितनी ज़्यादा गंदगी निर्वाणा के अंदर, मतलब यहाँ पर इतने MLA इतने मंत्री रह आज तक मतलब किसी ने भी सफाई वगैरह का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सबसे ज़्यादा गंदगी निर्वाणा के अंदर है, तो दिख रही होगी सबसे ज़्यादा गंदगी है जो निर्वाणा के अंदर है, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। तो आप देख सकते कितना कूड़ा करकच पड़ा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं जित्तू मोह निर्वाणा और कगर, तो ये बालाजी का मंदिर आता है, तो अभी हम आपको इसके जो दर्शन बाहर से भी कराएंगे। और जो मंदिर है मंदिर से बाहर देख लो गाइस कितनी ज़्यादा गंदगी कूड़ा कटकच, मतलब कि घर से बाहर जो रंग होता है अपने घर तो वो यहाँ पर डाल देते हैं लोग, पता ही नहीं है कि धर्म की जगह है क्या नहीं ये। और जो मंदिर से मंदिर जो है मंदिर है जिसके बैक साइड है जो यहाँ पर घर हैं और यहाँ पर है जो मैसें बांधी जाती हैं, तो आप देख लो कैसे लोगों ने कब्जा किया हुआ यहाँ पर भी, काफ़ी ज़्यादा मैस बंधी हुई हैं। और ये आता है मंदिर, तो आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ एक बार। तो ये है जो मंदिर है बजरंग बली का, काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी मान्यता प्राप्त है यहाँ से भी। और यहाँ पर मंगलवार को तो मेला लगता है हर मंगलवार को, और धोख तो है जो हर दिन प्रतिदिन लगती है। तो चलो चलते हैं जित्तू मोह निर्वाणा और के घर के पास। तो गाइज अभी हम आ गए निर्वाणा, और निर्वाणा में आपको बता देता हूँ निर्वाणा पर एक स्टार से मिलने आए थे, तो आप उसका आप नाम भी जानते ही होगे, इसका नाम था जित्तू मोह निर्वाणा, जो निर्वाणा में ही नहीं बल्कि पूरे मतलब कि सबसे हरियाणा में सबसे लंबा बंदा है। आपने उसकी फ़ोटो देखी होगी, मैंने एक बार फ़ोटो भेजी थी उसकी। तो आप जित्तू मोह निर्वाणा से मिलने के लिए आए थे, लेकिन मैंने अभी उसके पास फ़ोन किया है तो वो कह रहे हैं कि मतलब घर नहीं है बाहर जा रहे हैं घड़ियाँ, तो सॉरी तो भाई सॉरी कहना पड़ रहा है क्योंकि आज भी जो हमें जित्तू मोह निर्वाणा थे वो नहीं मिल सके, तो हम कल फिर आएंगे उनसे मिलने के लिए। बाकी मैंने एक बार तो उनसे मुलाकात कर ली है, एक बार आपने देखा भी था पीछे मैंने वो लोग डाला था कि उनसे आप स्पेशल मिलकर आए थे, तो कल फिर आएंगे उनसे मिलने के लिए।
तो ठीक है गाइज, मैं आज का जो ब्लॉग है यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा।